आज हम जानेंगे सक्शन मशीन के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सक्शन मशीन जो कि लाइट से चलता है, और दूसरा जानेंगे सेंट्रल सक्शन मशीन जो कि सेंट्रल सक्शन से चलता है जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तीसरा जानेंगे अगर ये सक्शन मशीन हमारी ख़राब हो जाए, इसकी जो मोटर है वो जल जाए, तो हम इसका दोबारा कैसे रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इसका कैसे हम काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिकल सक्शन मशीन। तो ये इसमें एक मोटर लगी रहती है जो कि वैक्यूम क्रिएट करती है, और इसके द्वारा हम मरीज को जो हमें ब्लड सक्शन करना हो या उसके मुंह में जो आ रहा हो सेक्रेशन उसको सक करना हो, या नाक में या मुंह में कुछ ब्लड आ रहा है तो उसको सक करने के लिए इस सक्शन मशीन का हम यूज करेंगे। तो इसमें एक अंदर मोटर लगी रहती है और इसमें ये कुछ फंक्शंस होते हैं। तो यदि अगर हम इसको लाइट में लगाएंगे तो लाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइट है पावर की ये जल जाएगी, और जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ये जो लिखा है सक्शन, जब ये वर्क करेगी तो यहाँ पे ये जल जाएगी, और ये रहता है फ्यूज वाली। अगर इसका ये फ्यूज लगा है ये जल जाए तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो जल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि मशीन का फ्यूज उड़ गया है। और इसमें ये लिखा है वी गेज, तो ये एक मीटर होता है, तो जो पावर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वो हमें दिखाएगा कि इसमें आपको कितना पावर पे सक्शन यूज में करना है। इसके अंदर ये जो पावर है वो 760 तक दे रखा है, इतना ये वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो जब हम इसको NICU में या जो बच्चों की वार्ड है उनमें यूज करेंगे तो बच्चों के लिए हम इसमें 80 से 90 mmHg पर पावर सेट करेंगे, और जब हम अडल्ट के लिए यूज करेंगे तो 100 से 120 mmHg पावर इसमें वैक्यूम रखेंगे। और यदि हमें इसका यूज सर्जरी OT में करना है तो इसका जो वैक्यूम है वो हमें रखेंगे 300 या उससे ऊपर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा वैक्यूम से सक करना रहता है। जब सर्जरी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लूड निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसको हम सक करने के लिए इसका जो पावर है वो 300 के ऊपर रखेंगे। इसमें ये दो जार लगे रहते हैं जो कि 2-2 लीटर के होते हैं, तो ये जो फ्लूड रहेगा उसको कलेक्ट करने के लिए रहता है, और ये रहता है इसमें वैक्यूम कंट्रोलर। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि कितना हमें वैक्यूम रखना है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसकी जो ये वाली नली है उसको आगे से बंद करके इसमें हम देखेंगे कि कितना पावर बन रहा है। तो बच्चों के लिए हम 80 से 90 रखेंगे और अडल्ट के लिए 100 से 120 रखेंगे, और सर्जरी में हम 300 या उससे ऊपर रखेंगे। तो ये तो हो गए इसके फंक्शन। यहाँ से ये ऑन ऑफ कराएगा, ये ऑन करते ही ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। उसके बाद में है ये फिल्टर, तो इसके अंदर एक मोटर लगी है वो वैक्यूम क्रिएट करती है, और ये फिल्टर है तो ताकि जो ये जो जार है उसका जो पानी है वो अंदर मशीन में ना जाए। उसके बाद में हम आएंगे तो ये ऊपर यहाँ पे इसमें दो ओपनिंग है, तो एक में यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे देखोगे तो आप वैक्यूम लिखा है, तो ये वैक्यूम ये वाला अपन जो फिल्टर है उसमें इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे। दूसरा इसमें नंबर 1 लिखा है तो इसमें यहाँ से कनेक्ट करके ये दूसरे जार में ये नंबर 2 लिखा है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और तीसरा यहाँ पे इसमें लिखा है पेशेंट, तो जो जहाँ पे अपन को सक्शन करना है तो वो वाली नली लगा देंगे। तो ये सक्शन पाइप हो गया इस प्रकार से। तो इसको हम ऑन करके देख रहे हैं, ये इस प्रकार से काम करेगा, इसमें ये सक्शन पानी आने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सक्शन मशीन कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे सेंट्रल सक्शन के बारे में। ये हमारा सेंट्रल सक्शन रहेगा, इसमें हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेंटर लाइन से कनेक्ट रहेगा, ये पॉइंट रहता है, यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे तो ये सीधे यहाँ पर वर्क करने लगेगा। अभी हमने ऑन किया है तो ये किस प्रकार से काम करेगा ये दिखा रहे हैं हम। तो ये बोतल में ऐसे करके सक्शन आ जाएगा, और ये हमारा 1 लीटर का बोतल है, जब ये भर जाए तो इसको हमें खाली करना रहता है, और इसमें ये जो लगा है तो इसमें क्या होता है 1 लीटर से ज़्यादा भरने पे ये ऊपर उठ जाएगा और इसका जो सेंट्रल लाइन का जो पाइप है उसको बंद कर देगा ताकि जो पानी है वो अंदर वैक्यूम में ना जाए।
ये वैक्यूम मीटर रहता है, तो यहाँ से हमें कितना वैक्यूम सेट करना रहता है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से वैक्यूम। ये ऑन ऑफ का रहेगा, अभी ये ऑन है, इधर से ये ऑफ हो जाएगा। ये अभी हमने जाना सेंट्रल सक्शन और जो इलेक्ट्रिकल सक्शन जो लाइट से ऑपरेट होता है उसके बारे में। एक सक्शन और आता है, वो होता है फुट ऑपरेटेड सक्शन मशीन, जो कि कम यूज किया जाता है, वो अभी हमारे पास है भी नहीं। और यदि ये इसकी जो मोटर है वो जल जाए या ये ख़राब हो जाए, तो या तो हमें उसको सुधरवाना पड़ेगा या फिर इसको हम कंडम करके अलग रख देंगे। लेकिन हमने क्या किया है, जुगाड़ करके एक सेंट्रल सक्शन से जो इसकी जो पाइप है उसको कनेक्ट करके इसको, ये हमारा जो सक्शन मशीन है इलेक्ट्रिकल से चलने वाला, उसकी मोटर अंदर से जल गई थी तो उसको हमने सुधरवाया नहीं, बल्कि इसको सेंट्रल लाइन से पाइप लगा के वहाँ पे जो वैक्यूम का जो सेंट्रल लाइन से कनेक्शन आ रहा है उसमें हमने पॉइंट लगा के पाइप लगा के, और ये इलेक्ट्रिकल वाला जो सक्शन है उसी में इस ग्रीन पाइप को हमने अटैच कर दिया है। तो ये हमारा सक्शन का काम करेगा। ये किस प्रकार काम करता है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इसमें अब ये जो है वो कुछ काम नहीं करेगा, उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ये सीधा हमने सेंट्रल लाइन में कनेक्ट कर दिया है। तो बस ये जो वैक्यूम के जो दो डिब्बे हैं उनसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये पेशेंट पाइप है ये सीधा हम जहाँ सक्शन करना है तो वहाँ अटैच कर देंगे, तो ये हमारा काम करने लग जाएगा। ये इस प्रकार से हमारा, इसमें हमें ना लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, सेंटर लाइन से हम सीधे कनेक्ट कर देंगे। ये तो जाना हमने आज सक्शन के बारे में कि हमारा लाइट से ऑपरेटेड होने वाला सक्शन किस प्रकार से होता है और कैसे काम करता है, और दूसरा हमने जाना सेंट्रल सक्शन के बारे में, और तीसरा जाना कि यदि हमारा इलेक्ट्रिकल से चलने वाला सक्शन मशीन ख़राब हो जाए तो हम कैसे जुगाड़ करके सेंट्रल से इसको अटैच करके इस सक्शन का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें कुछ सावधानियां जो ध्यान में रखनी है वो है कि इसमें ये लाइन बनी रहती है इस प्रकार से यहाँ से, तो इतना भर जाए उसके बाद में इसको बंद कर देना है और पहले इसको खाली करना है और दोबारा यूज करना है। और जब डेली यूज होने के बाद में इसकी दोनों डिब्बों की सफाई करनी है, तो ये सफाई हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से कर सकते हैं या इसमें हाइड्रोजन डाल के कर सकते हैं, जिससे क्या है उसमें बदबू नहीं आएगी और ये हमारा जो मशीन है वो गंदा नहीं रहेगा। और जब यूज हो जाए, मतलब हमारा यूज होने के बाद में एक बार इसमें तसले में या किसी भी डिब्बे में पानी भर के या सलाइन भर के इसको सक करके, तो इसमें जो हमारी लाइन में इस प्रकार से जो ब्लड जम जाता है तो वो नहीं रहेगा, ये हमारा साफ रहेगा, नहीं तो ये क्या है कि अंदर जम के पाइप को ब्लॉक कर देगा। जो सक्शन मशीन है इसको हम सेंट्रल सक्शन मशीन बनाने के लिए हमें बस इस जो कनेक्टर रहता है वैक्यूम कनेक्टर इस प्रकार से आएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक ये पाइप आप 3-4 मीटर का पाइप ला के इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये जनरली आपका 100-200 रुपये में दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा, और इस प्रकार से इसको कनेक्ट करके हम इसका यूज कर सकते हैं, हमें इसको सुधरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें हम प्रेशर सेट नहीं कर सकते, इसको जो यूज है हम मोस्टली सर्जरी ओटी में ही कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है और ये सेंट्रल सक्शन ज़्यादा से वैक्यूम बनाता है।